three, four. सही कलर नहीं कर रहे। मूसा को पेंसिल पकड़ना आ गई है। हाँ। अभी आ गई। बहुत अच्छी बात है। आप सही कलर नहीं कर रहे। अब मैं करूं? ओके। आप मेरी वीडियो बनाओगे? हाँ। आपको तो वीडियो बनाना आती नहीं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो मैंने शुरू की है मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में मैंने लिए हैं ये एग टोस्ट और साथ में स्मॉल साइज कप में चाय। अगर मैं दिन में दो बार चाय लूँ ना, मतलब एक सुबह में और शाम में, वो तो मैं ज़रूर पीती हूँ ना शाम की चाय, तो मैं फिर यही ट्राई करती हूँ कि छोटे साइज़ के कप में चाय लूँ, क्योंकि दो टाइम भर भर के चाय पीना मेरे ख्याल से मेरा स्टमक जो है वो मैनेज नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो इसलिए मैं छोटे साइज़ के कप में चाय लेती हूँ अगर मैं दो बार लूँ तो। और फिर जी दो बच्चे निकली हुई थी, मैं मूसा को लेके नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग दोनों ही बैठे थे धूप में। वैसे उसको ज़्यादा धूप में बैठना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको समझा बुझा के उसको मोबाइल दे के थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर उसको धूप में बैठाया था, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। अच्छा, जो वीडियो में मैंने शुरू में नाश्ता शेयर किया है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी दिन से नाश्ते में ले रही थी पराठे, तो जो कि हालांकि मैं ज़्यादा नहीं थी खाती, हाफ पराठा ही लेती थी, या कभी कभी अगर बहुत दिल चाह रहा तो एक पराठा आराम से खा लिया। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं पराठे बिल्कुल स्किप कर दूँगी, क्योंकि एक तो वेट गेन होता है और दूसरा हेल्थ के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते रोज़ रोज़ खाना। इसलिए आज मैंने अपने लिए बना ली थी टोस्ट। और दूसरा, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वज़न कम किया जाए, उसके लिए भी मैं आगे वीडियोस में आपके साथ अपनी डाइट शेयर किया करूँगी। तो अभी मैं आ गई थी अंदर घर के, तो घर के अंदर ना अच्छी खासी ठंड लगती है, चाहे धूप में आप बैठे हों तो नहीं आपको स्वेटर की ज़रूरत होती। ये रहा मेरा स्वेटर। और पंजाब में ना चाहे चार दिन से धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और हमारी मेड जो है ना, वो इस टाइम आ चुकी थी, दिन का एक बज रहा है ये, और उसने झाड़ू लगा दिया था। मैंने उसको बोला कि आज तुम लगा लो वॉशिंग मशीन भी, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है, तो जो कपड़े होते हैं ना वो धूप में और खुली हवा में जितने अच्छे से ड्राई होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है कि सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन 3 बजे मैंने बना लिया था अपने लिए बहुत ही अच्छा सा यम्मी सा कचूमर सैलेड, जिसमें मैंने गाजर, खीरे, लेमन, टमाटर और सलाद के पत्ते, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बहुत यम्मी सा मैंने सैलेड बना लिया था। मैं अपनी आइंदा वीडियोस में भी ना शेयर किया करूँगी, क्योंकि इस तरह एक ही वीडियो में अपनी सारी मैं डाइट नहीं शेयर करना चाहती आपसे, वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं सिर्फ 3 मिनट की वीडियो बनाने ही में कम्फर्टेबल रहती हूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। मेरे कचूमर सैलेड के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को पसंद ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।